हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने 5.2 के 7 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इसका 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 1 4 7 10 -88 कांत से 12वां पद ज्ञात करो। उसने ये बोल रखा है ये को समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले प्रथम पद इक्वल, प्रथम पद इक्वल, प्रथम पद ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये A1, A2, A3, A4, -, ये क्या होता है An, अंतिम पद। फिर उसके बाद सारा अंतर D इक्वल में A2 माइनस A1, तो 4 - 1 इक्वल में कितना आ गया 3। अंतिम पद An इक्वल कितना दे रखा है 88। अंत से कौन सा पद पूछा है 12, तो r की वैल्यू कितनी दे रखी है 12। अब अंत से आठवें पद का फॉर्मूला बताया था, अंत से आठवां पद ar इक्वल an माइनस r माइनस 1 इनटू d। वैल्यू रख देते हैं, r की वैल्यू कितनी है 12, तो ए 12 इक्वल में ए एन की वैल्यू कितनी है 88 माइनस आर की वैल्यू 12 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 3। तो 88 माइनस 12 माइनस 1 11 इंटू 3, 11 की 33, तो 88 माइनस 33, तो ए 12 इक्वल कितना आ गया 55। तो अंत से इसका 12वां पद इस समांतर श्रेणी का कौन सा होगा 55। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, क्या बोल रहा है उसने, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है। कोई समांतर श्रेणी है उसमें टोटल 60 पद है, ये इसने बोल दिया। फिर आगे क्या बोला है, यदि उसका प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः, प्रथम पद और अंतिम क्रमशः सात तथा 125 है, सात तथा 125 है, तो उसका 32वां पद क्या हो, तो उसका 32वां पद ज्ञात करना। क्या बोल रहा है, एक समांतर श्रेणी है उसमें टोटल कितने पद हैं 7, प्रथम पद और अंतिम पद हमें दे रखा है, उसका 32वां पद ज्ञात करना। तो देखो सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन, टोटल पद n की वैल्यू कितनी है 7, टोटल पद हमें कितने दिए हैं 7, प्रथम पद कितना है 7, प्रथम पद स्मॉल a इक्वल में कितना दिया है 7, सार्वंतर नहीं है ज्ञात करना। देख अंतिम पद बोल रखा उसने कितना 125, अंतिम पद यानी टोटल पद कितने हैं उसमें 60, अंतिम पद यानी कौन सा होगा 60 में ही होगा, वो कितना दे रखा है 125। ठीक है, यहाँ a n की बात करें कितना है 125 अंतिम पद, लेकिन n की वैल्यू उसने हमें दे रखी है, टोटल पद उसमें कितने हैं 60। An का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a 60 की वैल्यू ली है तो n की जगह कितना आ जाएगा 60, तो यहां पे लिख देते हैं a प्लस 60 माइनस 1 इंटू डी इक्वल में 125। a का मान रख देते हैं 7 प्लस 60 में से 1 कितना 59, d इक्वल में 125। तो अब यहां पर ये प्लस के साथ है, उस साइड जाके माइनस की, तो 59d इक्वल में 125 माइनस के 7, तो 59d इक्वल में कितना आ गया 118। अब यहां पर d के गुणा में 59 उधर कितने चलाएगा 12 में, तो d इक्वल 118/59, 59 दुगे 118, तो D का मान हमारे पास कितना आ गया 2।
प्रथम पद एक की वैल्यू 7 है, डी का मान कितना आ गया 2। पूछा कौन सा पद है 32वां, तो देखो यहां पर तो 32वां पद अतः 32वां पद ए 32 इक्वल में ए प्लस एम की वैल्यू कितनी आएगी 32 माइनस ए इंटू डी। ए का मान हमारे पास कितना है यहां पर प्लस के 7 प्लस 32 में से एक माइनस करेंगे 31 इंटू डी, डी का मान कितना आएगा हमारे पास 2। तो पहले मल्टीप्लाई होता है वो कर लेते हैं 7 प्लस 31 दूरी 62, 62 और 7 कितनी आ गई 9। तो इस समांतर श्रेणी का 32वां पद हमारा क्या होगा 9। नेक्स्ट देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में दिया है चार संख्याएं समांतर श्रेणी में। अब देखो उसने हमें ये नहीं बताया वो कौन सी संख्या, और आपको मैंने बताया संख्याएं मान ली हूं 3 पदों वाली, 4 पदों वाली, 5 पदों वाली, किस प्रकार से चयन करना। अब उसने बोल दिया 10वें क्वेश्चन में चार संख्याएं हैं वो समांतर श्रेणी में, किस श्रेणी में है समांतर श्रेणी। फिर आगे इसमें दिया है यदि संख्याओं का योग 50 है, इनका योग कितना है 50, संख्याओं का योग 50 है, सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या की सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो संख्या क्या है, तो हमें क्या ज्ञात करनी है संख्या। देखो इस क्वेश्चन में पहले क्या बोला उसने कि 4 संख्याएं हैं वो किस श्रेणी में है समांतर श्रेणी में, तो 4 संख्याओं का हमें चयन करना चाहिए किस प्रकार से उनका चयन करें। तो मान लेते हैं माना निम्न 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, माना निम्न 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, ये हमने मान लेते। अब 4 पदों वाली संख्या में बताया कौन सी माननी है a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। इनका सारांतर अगर चेक करें तो a2 माइनस a1 करके देखें तो क्या बनेगा a माइनस d माइनस a, लेकिन माइनस इनटू माइनस प्लस 3d, d प्लस माइनस d प्लस 3d, 2d का अंतर। इनमें देखें तो a माइनस a प्लस d माइनस a प्लस d प्लस d 2d, अंतर की ये सारांतर समान होना चाहिए तभी वो संख्या समांतर श्रेणी में हम मान सकते। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है उनका योग कितना है 50 है, तो इनका योग 50 है तो योग लिख देते हैं। प्रश्न अनुसार इनका योग 50 दिया, इनका योग करते हैं a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इक्वल में 50, माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल, माइनस d प्लस d कैंसिल, a प्लस a 2a प्लस 3a प्लस 4, तो 4a इक्वल हमारे पास कितना आ गया यहां से 50, तो a इक्वल 50 बटे 4, तो 2 2 4 25 2 50, तो कितना आ गया 25/2, a का मान हमारे पास यहां पे आ गया कितना 25/2। अब उसने बोला है सबसे बड़ी संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी ये होगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी ये होगी, इसकी 4 गुनी है, तो सबसे बड़ी संख्या a प्लस 3d, 4 गुनी किसकी है सबसे छोटी संख्या की, तो a माइनस 3d, ये क्वेश्चन से कर रहे हैं। तो a प्लस 3d इक्वल में 4 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 3 12 d वाली संख्याएं एक तरफ ले आते हैं तो 3d प्लस 12d इक्वल a उस साइड ले आते हैं प्लस का उस साइड जाके माइनस का 3d प्लस 12d 15d इक्वल में 3a
डी के गुणा में 15 होगा किसमें चलाएगा भाग में, तो डी इक्वल 3/15 तो 3 × 15 तो डी इक्वल कितना आ गया ए बटे 5। ए की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, ए का मान कितना है 25/2 तो डी इक्वल कितना आ गया 25/2 और बटा में 5। अब ये ऊपर वाली संख्या के बटा में कहाँ आ जाएगा नीचे, तो क्या आ गया हमारे पास डी इक्वल 25/5 × 2 5 × 5 = 25 तो 5/2। अब हमारे पास ए का मान आ गया 25/2, डी का मान आ गया 5/2। अब हम संख्या निकाल लेते हैं, हम कौन सी संख्या ज्ञात कर ली, पहली संख्या हमने क्या मान ली है ए माइनस 3, पहली संख्या क्या मान ली है ए माइनस 3, तो पहली संख्या देखते हैं क्या होगी, वह पहली संख्या ए माइनस 3 डी, ए की वैल्यू कितनी है कि 25/2 माइनस 3 × d की वैल्यू है 5/2। सोल्व करते हैं 25/2 माइनस 3 × 15/2 एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इसका यहां से कितना आ गया 2, ऊपर कितना आ गया 25 − 15 तो 10/2 2 × 5 = 10 तो पहली संख्या हमारी क्या है 5। दूसरी संख्या निकालते हैं, दूसरी क्या है a माइनस d, a की वैल्यू 25/2 माइनस d की वैल्यू 5/2 एलसीएम लेंगे यहां से 2 25 − 5 20/2 2 × 2 = 0 वह दूसरी संख्या क्या थी हमारे पास 10। तीसरी संख्या a प्लस d 25/2 प्लस 5/2 एलसीएम लेते हैं 2 तो ऊपर 25 + 5 30/2 15 × 2 = 30 तो तीसरी संख्या हमारी क्या थी 15। चौथी संख्या a प्लस 3 d 25/2 प्लस 3 × 5/2 तो 25/2 प्लस 3 × 5 = 15/2 एलसीएम लेंगे 2 25 + 15 40/2 2 × 2 = 4 तो ये कितनी आ गई 20। तो हमारी चार संख्याएं समांतर श्रेणी में वो कौन सी थी 5, 10, 15 और 20 जिनका योग तो कितना होगा यहाँ पर 50 होगा और सबसे बड़ी जो संख्या हुई छोटी की चार गुना भी, बड़ी संख्या 20 है छोटी 5 है, इसका चार गुना है 5 × 20।